राजधानी दिल्ली को हैरान कर देने वाली घटना जिसमें मेजर की पत्नी की जान ले ली गई थी। अब इस मामले में फरार बताए जा रहे मेजर निखिल आंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही मेजर निखिल आंडा फरार बताया जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को निखिल पर शक था, जिसके बाद से पुलिस उस पर लगातार नजर बनाए रख रही थी। और आज मेरठ दरौला के पास निखिल आंडा की कार मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मेरठ रवाना हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि पहले पुलिस ने मृतक शैलजा के फोन कॉल्स निकलवाए और जिसमें पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले। इसमें पता चला निखिल आंडा से शैलजा लगातार संपर्क में थी और अस्पताल के बाद भी वो निखिल आंडा की कार में बैठकर गई थी। उसके बाद निखिल ने शैलजा का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद निखिल ने फोन स्विच ऑफ करके दिल्ली NCR में ही घूम रहा था और जब मेरठ गया तो पुलिस को उसकी कार खड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस फौरन रवाना हुई और उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अब निखिल आंडा पकड़ा गया है और अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो तभी पता चलेगा कि निखिल आंडा ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।